अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत वाला मेरे दरसी साथी हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, बहुत ज़्यादा उल्फत रखते हैं, तो हज़रत वाला से मुलाकात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हज़रत वाला इस वक्त गाज़ियाबाद में हज हाउस पर एक मदरसा है, मदरसे का नाम मदरसा अफजलुल उलूम। हज हाउस के बिल्कुल बराबर में ये मदरसा है। हज हाउस के बाद जो मैदान है उस मैदान के फौरन बाद ये मदरसा है, लाल बिल्डिंग के पीछे। लाल बिल्डिंग के पीछे हज़रत वाला वहीं पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उसी के सामने हज़रत की शॉप भी है जहाँ पर हज़रत वाला दवाइयों का काम भी करते हैं। हज़रत वाला का जो हिकमत की जो दुकान है, जो हिकमत खाना है, जो मतब है, उसका नाम है ZDIMC हर्बल स्टोर, ये उसका नाम है। हज़रत वाला से आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो इस पर हज़रत वाला का ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर मदरसे के अंदर ख़ास तौर से दरस निज़ामी का खिदमत अंजाम देता हूँ और ख़ाली वक्त में इसी दौरान मैं शॉप के अंदर भी बैठता हूँ, वहाँ पे रूहानी तौर पर इलाज करता हूँ। बाकी वैसे भी रूहानी तौर पे जो कोई इलाज व मुआलजे के लिए कुरान व हदीस की रोशनी में अगर कोई चीज़ पूछने के लिए आते हैं या कोई मसले मसाइल के एतबार से किसी को किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है तो वो भी मसले मसाइल भी कुरान व हदीस की रोशनी में वाज़ह तौर पर और दलाइल के साथ उसको बयान करता हूँ और लोगों को उसके बारे में बतलाता हूँ। मेरे मतलब का नाम जहाँ शॉप है उस शॉप का नाम IMC हर्बल स्टोर के नाम से रखा गया है और उसके अंदर रूहानी तौर पर भी दवाई दी जाती है और बाकी जो है एक कंपनी है IMC उसके हिसाब से भी दवाई दी जाती है। मतलब जो जिस हिसाब से मरीज़ होते उसी हिसाब से उसका पूरा देखने के बाद इलाज किया जाता है। आप भी अपने किसी भी बीमारी के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं किसी भी वक्त में, 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त में। आपको मालूम करना चाहते हैं तो मालूम कर सकते हैं।